माँ हिप्पो और सफेद शेर। जंगल में शेरनी के पीछे लकड़बग्घों का झुंड लग गया था। अपने छोटे से बच्चे को वो मुंह में लेकर भागने लगती है। शेरनी का बच्चा बहुत ही छोटा और सफेद रंग का था। शेरनी ने अभी अभी उसे जन्म दिया था, जिस वजह से शेरनी काफी कमजोर हो गई थी। शेरनी बच्चे को बचाने के लिए भागती रहती है। वो थक जाती है पर हिम्मत नहीं हारती। भागते भागते वो नदी किनारे आती है। तब एक लकड़बग्घा शेरनी के पैर को काट लेता है, जिस वजह से शेरनी के मुंह से उसका बच्चा पानी में गिर जाता है। शेरनी के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बच्चा। तब तक लकड़बग्घों का झुंड शेरनी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लकड़बग्घे नदी में कूद जाते हैं। वो बच्चे को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मादा हिप्पो आती है। वो एक लकड़बग्घे को चीर कर मार देती है। खबरदार, कोई इस बच्चे के पास आया तो सबको चीर कर रख दूंगी। मादा हिप्पो का ये गुस्सेल रूप देखकर सारे लकड़बग्घे डर के मारे भाग जाते हैं। मादा हिप्पो उस नन्हे से बच्चे को पानी में डूबने से बचाती है। शेरनी को मरा हुआ देखकर मादा हिप्पो को दुख होता है। तब वो कहती है, लगता है भगवान ने मेरी ममता की झोली इस सफेद शेर के रूप में भर दी है। इस बच्चे की भी माँ नहीं रही और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है। आज से ये मेरा बेटा बनकर मैं इसे बड़ा करूँगी। मादा हिप्पो सफेद शेर को संभालते हुए घर लाती है। उसे अपने बच्चे के जैसे पालने लगती है। उसका अच्छे से ख्याल रखती है। उसे समय समय पर खाने का इंतजाम करके देती है। ये सारे काम मादा हिप्पो बड़े ही प्यार से करने लगती है। सफ़ेद शेर भी अब मादा हिप्पो को ही अपनी माँ समझने लगता है। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश थे। तो उधर लकड़बग्घों के झुंड का एक लकड़बग्घा मादा हिप्पो से बदला लेने का सोचता है। उस मादा हिप्पो ने मेरे भाई को मारा। जब तक मैं उस मादा से बदला नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो लकड़बग्घा मादा हिप्पो पर नजर रखने लगता है। मादा हिप्पो और सफेद शेर एक साथ बहुत ही खुश थे। अब धीरे धीरे सफेद शेर बड़ा हो रहा था। एक दिन सफेद शेर अकेले शिकार कर गया था। मादा हिप्पो तबीयत खराब होने की वजह से घर में अकेली थी। तब लकड़बग्घा मादा हिप्पो पर हमला कर देता है। वो उसके पैरों को काटने लगता है। तब मादा हिप्पो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी वहाँ सफ़ेद शेर आता है और वो पीछे से लकड़बग्घे पर हमला कर देता है। सफ़ेद शेर लकड़बग्घे की हड्डी पसली एक कर देता है। तब लकड़बग्घा मन में सोचता है, अभी मेरा यहाँ से भागना ही उचित रहेगा, फिर वापस आऊंगा और इन माँ बेटे को मार डालूंगा। लकड़बग्घा सफ़ेद शेर से बचकर भाग जाता है। सफ़ेद शेर माँ को घायल देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। माँ, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, पर मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। सफ़ेद शेर माँ की अच्छे से देखभाल करने लगता है। उधर लकड़बग्घा भागते हुए एक अघोरी बाबा की गुफा में जाता है, जहाँ वो काला जादू सीखने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर लकड़बग्घा काला जादू सीख लेता है और वो सीधा मादा हिप्पो के पास आता है। वहाँ सफ़ेद शेर भी रहता है। तब सफ़ेद शेर कहता है, क्यों रे लकड़बग्घे, पिछले बार की मार कम पड़ गई थी जो फिर से यहाँ मार खाने आ गया। अरे जरा मेरी तरफ देख कर तो बात करो, तुम मेरे सामने चींटियों जैसे लग रहे हो। तुझे तो मैं यूं मसल कर रख दूंगा। तब लकड़बग्घा हंसने लगता है। वो अपने काले जादू से विशाल रूप धारण करता है। विशाल लकड़बग्घे को देखकर सफेद शेर और मादा हिप्पो हैरान हो जाते हैं। विशाल लकड़बग्घा पहले मादा हिप्पो को मारने जाता है। तब सफेद शेर उस पर हमला बोल देता है।
लकड़बग्गा और सफेद शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उस विशाल लकड़बग्गे के सामने सफेद शेर एक चींटी के समान लग रहा था। लकड़बग्गा सफेद शेर को ही मार रहा था, तब मादा हिप्पो भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरे बेटे की मदद करो, ये लकड़बग्गा तो मेरे बेटे को मार देगा। मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहती भगवान, कृपा करो भगवान, कृपा करो। तभी अचानक आसमान से एक विशाल मणि जमीन पर आता है। उस मणि से रोशनी निकलकर सीधे सफेद शेर पर गिरती है। उस रोशनी की वजह से सफेद शेर भी विशाल बन जाता है। उसकी भी ताकत अब दो गुनी बढ़ जाती है। अब शुरू होती है बराबर की लड़ाई। इस लड़ाई में सफेद शेर के सामने लकड़बग्गे का काला जादू भी नहीं चलता है। सफेद शेर के सामने वो लकड़बग्गा हार जाता है। वो साधारण रूप में आकर मर जाता है। उसी के साथ साथ सफेद शेर भी साधारण बन जाता है और वो मनी आसमान में गायब हो जाती है। तब मादा हिप्पो बेटे को प्यार करते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? तुम्हारे जैसे माँ के होते हुए भला किसी बच्चे को कुछ कैसे हो सकता है माँ? फिर से एक बार दोनों माँ बेटे एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। चीता और सफेद शेर की लड़ाई। जंगल में जानवर चीता से बहुत ही परेशान हो गए थे। जंगल के राजा सफेद शेर होने के बावजूद भी चीता खुद को ही राजा समझता था और छोटे जानवरों पर हुक्म चलाता था। एक बार चीता जंगल में घूम रहा था, तब खरगोश उसे देखते ही खड़ा हो जाता है। सलाम चीता जी। खरगोश उसे सलाम करता है पर उसका बेटा नहीं। तब चीता कहता है, क्यों रे खरगोश, तुम्हारे बेटे को पता नहीं क्या कि मैं कौन हूँ? वो मुझे सलाम क्यों नहीं कर रहा है? खरगोश अपने बेटे को चीता को सलाम करने के लिए कहता है, पर उसका बेटा सलाम करने के लिए तैयार नहीं रहता। पिताजी, अगर यह हमारे राजा सफेद शेर होते तो ना मैं उन्हें सलाम करता, पर ये चीता बदमाश है, मैं इसे सलाम नहीं करूँगा। बच्चे की बातें सुनकर लकड़बग्गा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो एक ही वार में खरगोश के बच्चे को मार देता है। बेचारा खरगोश रोते हुए राजा के पास चीते की शिकायत लेकर जाता है। तब सफेद शेर कहता है, आजकल उस चीता की काफी शिकायतें आ रही है, उसे सभा में बुलाया था पर वो सभा में भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं मेरी प्रजा के लिए खुद उसके पास जाऊंगा। सफेद शेर सारे जानवरों को लेकर चीता के पास जाता है। चीता सफेद शेर को देखकर घमंड से इतराने लगता है। अरे शेर राजा और मेरे पास, लगता है सबको मेरी ताकत का अंदाजा हो गया, इसलिए मुझे जंगल का राजा बनाने आए हो। तुम जैसे बदमाश बेरहम जानवर को मैं इस जंगल का राजा बनाऊंगा? अरे तुम्हें तो इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो तुम्हें ऐसी सजा देने वाला हूँ कि मरते दम तक तुम कभी नहीं भूलोगे। सफेद शेर का मंत्री हाथी चीता को जाल में कैद कर लेता है और शेर राजा और सफेद शेर खरगोश से कहता है, खरगोश इस बदमाश चीते को मारो, ये तुम्हारा गुनहगार है। तब खरगोश क्या, सारे जानवर चीता को मारने लगते हैं। कुछ देर बाद सफेद शेर चीता के चेहरे पर कालिक पोत देते हैं और उसे जंगल से धक्के मार कर बाहर कर देते हैं। जंगल के बाहर चीता सोचता है, सफेद शेर मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। मैं आज तो जा रहा हूँ यहाँ से, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, बर्बाद करके छोड़ूंगा तुझे। चीता बदले के आग में जल रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। चीता दूसरे जंगल में रहने लगता है। चीता कभी कभी भेस बदल कर सफेद शेर पर नजर रखने जंगल आया करता था। एक बार वो चुपके से सफेद शेर और शेरनी की बातें सुन लेता है। शेरनी, सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल जाना जरूरी है क्या? ऐसे मत जाओ, पता नहीं मेरा दिल क्यों डरा जा रहा है। अरे एक राजा को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, और किसी ने ये सुन लिया ना तो वो क्या समझेंगे? आप हमारी चिंता न करें, मैं खुद का और सिम्बा का ध्यान रखूंगी।
शेरनी सिम्बा को लेकर जंगल से बाहर जा रही थी। यही मौका पाकर चीता शेरनी और सिम्बा के सामने आता है और उन दोनों को जाल से पेड़ पर लटका देता है। चीता ये संदेशा सफेद शेर को भेज देता है। सफेद शेर को ये बात पता चलते ही वो भागते हुए वहाँ आता है। शेरनी, सिम्बा, ऐसा कहते हुए सफेद शेर शेरनी के पास जाने लगता है। तब वहाँ बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। तभी चीता शेर को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ सफेद शेर, पहले मेरे पैरों तले नाग रगड़ते हुए गिड़गिड़ाओ, मुझसे माफी मांगो, तब जाकर मैं सोचूंगा कि शेरनी और सिम्बा का क्या करना है। देखो जानवरों, तुम्हारा राजा कैसे मेरे पैरों तले आया है। चीता सफेद शेर को धमका रहा था, पर सफेद शेर उसकी बात नहीं मान रहा था। तब चीता ही सफेद शेर पर हमला करने जाता है, पर तभी चींटियों का झुंड आता है और वो चीते के पैरों को काट देती है। लाल चींटियों के काटने से उसे जलन महसूस होती है, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसी वक्त शेरनी भी जाल से छूट जाती है। शेरनी अपने बच्चे सिम्बा को छुड़ा लेती है। तब शेर चीता पर हमला कर देता है। शेर और चीते की लड़ाई शुरू होती है। कुछ ही पलों में लड़ाई में चीता हार जाता है। शेर की आखिरी वार से चीता मारा जाता है और जंगल के जानवरों की मुसीबत का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है।